नमस्कार, छिंदवाड़ा लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश और अब देखते हैं खबरें विस्तार से। मध्य प्रदेश के 18वें मुख्यमंत्री कमलनाथ बन गए हैं। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कमलनाथ को सीएम के पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। राजधानी भोपाल के जंबूरी मैदान में भव्य समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें देश भर की दिग्गज राजनीतिक हस्तियां कमलनाथ के शपथ ग्रहण समारोह में साक्षी बनी। इस दौरान कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह सहित कई दिग्गज नेता, मुख्यमंत्री और कार्यकर्ताओं के अलावा आमजन उपस्थित थे। कमलनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद जहां प्रदेश भर में कांग्रेस और उनके समर्थकों में खुशी की लहर है, वहीं प्रदेश मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद कमलनाथ के गृह जिले में उनके बंगले के बाहर समर्थकों ने खुशियां मनाई। छिंदवाड़ा के शिकारपुर गांव में उनके निवास पर लोगों ने जमकर जश्न मनाया। लोगों ने बंगले के सामने डीजे की धुन पर नाचते हुए मिठाइयां बांटी। पूरा छिंदवाड़ा जिला पटाखों की आतिशबाजी से गूंज उठा। डीजे की धुन पर सभी समर्थकों ने जमकर ठुमके लगाए। गौरतलब है कि प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत के बाद कमलनाथ को प्रदेश का मुख्यमंत्री घोषित किया गया, जहां आज कमलनाथ ने जंबूरी मैदान में मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। जहां पहले ही कमलनाथ के नाम की घोषणा होने के बाद से उनके समर्थकों में खुशी का माहौल था, वहीं आज कमलनाथ के शपथ लेने के बाद उनके समर्थकों ने नाच गाकर अपनी खुशी का इजहार किया। कलेक्टर वेद प्रकाश ने आज कलेक्टर कार्यालय के सभाकक्ष में समय सीमा की बैठक ली और लंबित पत्रों की समीक्षा के दौरान निर्देश दिए कि समय सीमा के महत्वपूर्ण पत्रों का प्राथमिकता से समय पर निराकरण करें। कलेक्टर वेद प्रकाश ने बैठक में निर्देश दिए कि लंबित प्रकरणों का तत्परता से निराकरण कराएं और जवाब, दावे, जमीन, सड़क, विभागीय समन्वय और अन्य विकासात्मक कार्यों में आने वाले गतिविधि को शीघ्र दूर करने का कार्य करें। बैठक में मुख्य कार्यपालन अधिकारी ऋषि गर्ग और अतिरिक्त कलेक्टर कविता बाटला सहित सभी जिला स्तरीय विभागीय अधिकारी उपस्थित थे। विज्ञान प्रसार और युवा विज्ञान परिषद मध्य प्रदेश द्वारा समाज में वैज्ञानिक सोच के विकास और जागरूकता की दृष्टि से महिला विज्ञान जत्थे के माध्यम से जिले के विभिन्न स्थानों पर महिला स्वास्थ्य और भेदभाव को दूर करने पर आधारित नाटक तराजू, अंधविश्वासों पर आधारित नाटक बाबा जी आला रे जैसे नुक्कड़ नाटकों का प्रदर्शन किया जा रहा है। गत 3 दिनों से महिला विज्ञान जत्थे द्वारा 9 स्थानों पर इन नुक्कड़ नाटकों का प्रदर्शन किया जा चुका है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, बाकी खबरों के लिए देखते रहिए। नमस्कार।